हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक आपकी स्किन को जितने ओपन पोर्स होंगे वो भी श्रिंक होंगे और आपकी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा होगा। आपकी स्किन ग्लोई रहेगी, हेल्दी रहेगी। आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसको कम कर देगी ये पैक जो है। फ्रेंड्स, ये पैक बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है क्योंकि मैंने इसको कर्ड से बनाया है। ये पैक इतना अच्छा वर्क किया कि आप खुद पता चलेगा जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ड्राई स्किन की वजह से आपकी स्किन कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्लैकीनेस है, जैसे निकलती है किसी किसी की स्किन यहाँ से पपड़ी वगैरह से निकलती है आपकी स्किन यहाँ इस साइड आई के नीचे इस तरह से करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डल सी रहती है स्किन, अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग पैक है फ्रेंड्स। तो आप ये पैक को यूज़ कर सकते हो और ये इतना अच्छा पैक है फ्रेंड्स कि आप इसको जब एक बार ही यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह से बनाना है। तो मैं बता देती हूँ कि ये पैक इतना अच्छा अमेजिंग काम कर रहा है फ्रेंड्स कि मैं इसको टू वीक से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और ये इतना अच्छे से वर्क किया है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है कभी कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये वेदर थोड़ा सा मतलब इम्यूनिटी ऐसी है, ह्यूमिडिटी में मतलब इस तरह का वेदर हो रहा है क्योंकि स्किन में मेरे को भी कभी दाने आ जाते हैं तो कैमरा नहीं कैप्चर कर रहा है कि मुझे दाने हैं, बट हैं मुझे दाने, छोटे छोटे से दाने हैं तो वो नहीं कैप्चर होते हैं इसमें और रहता है कि दिखता है कि नहीं बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस स्किन है। हाँ, वैसे अच्छी है कि आपको एकदम भी मतलब कुछ भी नहीं नज़र आएगा, कुछ भी दाने निशान वगैरह कुछ भी स्पॉट्स वगैरह नहीं है मेरे फेस पर, लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे कि दाने वगैरह छोटे छोटे से दाने होते हैं ना जो वो घमोरी टाइप होते हैं उस तरह के हो जाते हैं कभी कभी, तो उस तरह के अगर हो जाएं तो आपको बार बार हाथ नहीं लगाना है उसको, हाथ से आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपकी स्किन को। अगर आप टच करेंगे ना तो आपकी स्किन और ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगेगी, इस वजह से आपको उसको टच नहीं करना है। तो इस स्किन को कैसे इसीलिए मैंने इस पैक को बनाया है। आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी आपके पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आप न्यू वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देख लीजिए फटाफट से कि मैंने इसको किस तरह से बनाया, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पैक, और ये पैक आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो इससे कम होंगे, मतलब श्रिंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 स्पून, ये मैंने लिया है कर्ड, और कर्ड यानी कि दही मैंने लिया है, और ये बिल्कुल गाढ़ा दही है, ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने इसी तरह का कर्ड लिया है। इसके बाद जो मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर लूँगी। तो आपके पास मुल्तानी मिट्टी पाउडर है तो आप वो ले सकते हो, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लिया इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 स्पून ही करीब, हाफ स्पून होगा मतलब कि, तो इतना ही ले रही हूँ मैं क्योंकि मेरे आजकल स्वेटिंग तो ज़्यादा ही हो रही है, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही फेस करनी पड़ रही है। इस वजह से मैं ये वाला पैक बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से इस पैक को यूज़ भी कर रही थी, तो ओपन पोर्स इससे बहुत ही अच्छे से श्रिंक हो जाते हैं और आपके ओपन पोर्स से जितना भी स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो कम होने लग जाती है। तो आप इस पैक को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आजकल वेदर ही ऐसा है कि इस तरह की ये चीज़ हो जा रही है। तो मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा टमाटो जूस, अब
टोमेटो जूस तो आपको पता ही है विटामिन सी होता है और कर्ड में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं ले रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको ऑयली स्किन है, तो आप ले सकते हो रॉ मिल्क, बट मैं यही ले रही हूँ। और टोमेटो से आपकी स्किन थोड़ी लाइटन होगी, ब्राइटन होगी। और मैं थोड़ा सा इसमें हनी ले रही हूँ, ये है डाबर का हनी। हनी से आपकी स्किन ग्लो भी करती है, आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहती है और मॉइस्चराइज भी हो जाती है, इस वजह से मैंने हनी यूज़ किया है। तो ये इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जितने भी लम्स वगैरह होंगे वो इसमें नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। तो एकदम से क्लीन होना चाहिए इसको, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए, इस तरह का इसको पेस्ट बना लेना है। और आप अच्छे से इसको जब मिक्स कर लेंगे ना, तो एकदम क्रीम हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। तो उस तरह से आपको इसको 20 मिनट्स के लिए आपको फेस पर रखना है, एकदम क्लीन फेस होना चाहिए आपका। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको लगाकर भी, लेकिन बता रही हूँ आप इसको हैंड पर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ फेस के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको फेस के लिए ही दिखाने जा रही हूँ इस वजह से। और लाइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स, तो बार बार लाइटिंग के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं तो उनको नहीं पता होता है, और इस वजह से। तो ये देखिए स्मूथ पेस्ट हो गया है, पेस्ट और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। मैं थोड़ा और इसको बाद में जब लगाऊंगी तब और अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इस पैक को बनाया था वो मैं अब लगाने वाली हूँ फेस पर, और आप फेस देख रहे हैं मेरा कितना शाइन कर रहा है, मतलब आप ऐसे ही देख सकते हो। ये मेरा बिल्कुल वेयर फेस है, मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया है और मेरा फेस एकदम क्लीन है। और अब मैं ये पैक को लगाने जा रही हूँ, क्योंकि इसे आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो भी क्लीन तो रहेंगे लेकिन वो श्रिंक हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको फिंगर की हेल्प से लगा लेती हूँ, इस तरह से ही लगाना है। तो इस पैक में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो कि आपके पोर्स तो क्लीन भी रहेंगे और श्रिंक भी होंगे, टू इन वन काम होगा इससे। और आपकी जो स्किन में जैसे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो वो भी कम होगी, तो इस वजह से मैंने इसको बनाया हुआ है। और ये पैक मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरी स्किन कितना अच्छे से वर्क कर रही है, कैसा दिख रहा है आपको फेस मेरा। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें टमाटो डाला है, क्योंकि इससे क्या होता है, टमाटो में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, सिट्रिक फूड, बहुत ही अच्छा फूड है वो, फ्रूट होता है। तो मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि विटामिन सी से आपकी स्किन तो अच्छी होती है, ग्लो भी रहता है, और आपकी स्किन में थोड़ा सा टैनिंग भी हो रखी होगी तो वो भी कम हो जाएगी और आपकी स्किन अच्छे से वर्क करेगी और स्वेटिंग भी कम होगी, श्रिंक होंगे पोर्स तो स्वेटिंग भी कम होगी और आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोई तो होगी ही, क्योंकि मैंने इसमें हनी डाला है। हनी से आपकी स्किन मॉइस्ट भी रहेगी, मॉइस्चर अच्छे से मिलेगा आपकी स्किन को, तो ड्राई फील नहीं करेगी बिल्कुल भी, तो ड्राई ना रहे स्किन, इसलिए आपको हमेशा अच्छी अच्छी क्रीम वगैरह यूज़ करनी चाहिए, हमेशा अच्छे फूड खाना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए अपने स्किन के लिए, क्योंकि स्किन को ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है स्किन अच्छी रहे, उसके लिए इम्प्रूव रहे स्किन, आपकी हेल्दी रहे, ग्लो अच्छा रहे, आपकी स्किन पर ग्लो भी दिखता रहे, इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने इसकी देखिए आपको मैंने अपना पैक लगा लिया है इस तरह से। और मैंने मुल्तानी मिट्टी इसलिए डाली है क्योंकि स्किन में जितनी भी अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह हैं, और मुझे कुछ अभी ये वेदर ही ऐसा चल रहा है, रेनी सीजन है, मतलब बारिश कभी कभी हो जाती है, तो इस वजह से मुझे थोड़े कुछ दाने हो गए हैं, बट देखते नहीं हैं वो, कैप्चर नहीं करता है कैमरा, लेकिन मुझे दाने वगैरह हैं हो रहे हैं अभी इस वक्त, तो वो भी इससे कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी डाली, मुल्तानी मिट्टी में दाने कुछ कम हो जाते हैं, दब जाते हैं एक्चुअली, तो इस वजह से मैंने मुल्तानी मिट्टी इसमें यूज़ की है। पता नहीं क्यों हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं शायद, क्योंकि वेदर ही चेंज होता रहता है, कहीं धूप आ जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, स्वेटिंग की वजह से भी मुझे दाने हो जाते हैं,
इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे क्लीन करना है, आपको रब करके मैं क्लीन करके ही मिलती हूँ आपसे। और 20 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी और जब मैं क्लीन कर लूँगी इसको वॉश कर लूँगी थोड़े से वॉम वाटर से या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो 20 मिनट्स तक आपको ऐसे ही एज इट इज़ रखना है बस। उसके बाद आप अच्छे से रब करके हल्के हाथों से रब करके आपको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है और आप देख रहे हैं मेरा फेस एकदम क्लीन है। ये देखिए और अब आप देखिए मेरे फेस पर बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, ग्लो कर रही है। मतलब आप देखेंगे जब मैं तैयार होंगी मतलब होती हूँ ना तब बहुत ही अच्छे से मतलब और शाइनिंग भी दिख रही होगी आपको। लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा नहीं हो पाता है, कैप्चर नहीं होता है कैमरे में, लेकिन मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हेल्दी दिख रही है। और मुझे ये दाने हो रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने फेस पर, पता नहीं फेस पर ही क्यों होते हैं जो चीज़ दिखती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और इसी तरह से आपको ये यूज़ करना है और दही से बहुत ही अच्छे से हो जाता है आपका फेस, स्किन बहुत ही अच्छी ब्राइट हो जाती है, स्किन क्लीन हो जाती है और सॉफ्ट भी बहुत हो जाती है, एकदम बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है आपकी। तो आप भी इसको यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे अमेजिंग वर्क करेगा ये पैक जो बहुत ही अच्छा है। तो इस पैक को आप ज़रूर लगाइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। मतलब आप जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे तो आपको स्किन सॉफ्ट नज़र आएगी और जितनी भी आपकी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। तो ये पैक इतना अच्छा काम कर रहा है कि आप इसको एक बार लगाइए और तभी पता चल जाएगा आपको, एक दो बार से पता चल ही जाना चाहिए। वैसे तो सबकी स्किन अलग अलग होती है फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत जल्दी इम्प्रूव नज़र आ जाता है क्योंकि मैं इस तरह देखती रहती हूँ, क्योंकि अपनी स्किन पर इस चीज़ों को इस्तेमाल करती रहती हूँ तो मुझे पता चल ही जाता है कि किस तरह से कुछ अच्छा फ़ायदा कुछ हुआ है, इससे फ़ायदा हुआ है या मुझे इसके बेनिफिट्स मिले भी हैं या नहीं मिले हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको जैसे एक दो दिन बाद लगाते रहिए, लगाते आपको भी समझ में आएगा। आप देखिए लगा कर देखते रहिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये पैक। और आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए और भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा फ्रेंड्स, और आप उसको भी चेकआउट कर पाएंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।